हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए। तो वेलकम टू जैसी टैरट, और अपने पर्सन को आप याद कर लें ताकि एनर्जीज जो हैं आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकें, कनेक्ट कर सकें। अपने अपने पर्सन का नाम मन में ले लें, पूरी पॉजिटिविटी के साथ मैसेजेस को देखें, कार्ड्स को देखें। हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉरी पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर पेंटिकल्स की ऊर्जा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन का पहला मैसेज जो है वो यही है कि अपनी चीज़ों को, जो कि उनकी मटेरियल लाइफ है, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ नया करने के बारे में। और चूंकि दो दो एस आए हुए हैं तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर आई हुई है, अपने जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशनल को लेकर, अपने रीयूनियन को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड के बाद टू ऑफ कप्स आया हुआ है, तो डेफिनेटली अपने रीयूनियन को लेकर भी यहाँ पर आपके पर्सन जो है एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी मैसेज है कि मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। मैंने वो बीज बो दिया है जो बीज हमें एक करेगा। उस बीज का उगने का और उसका रिजल्ट का मैं वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी मटेरियल चीज़ों को लेकर भी, थोड़ा व्यवस्थित करने को लेकर भी थोड़ा सा टेंशनाइज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हैं। उनका मैसेज ये भी है कि मैं अपनी हर वो चीज़ जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ या पाना चाहती हूँ या अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहता हूँ, इन चीज़ों पर मेरा पूरा फोकस्ड है। मैं ज़रूर थोड़ा सा, मुझे अभी ठहराव महसूस हो रहा है अपनी चीज़ों में, मैं रुका हूँ, मैं स्लो हूँ, बट मैं अपनी चीज़ों पर पूरा ध्यान दिए हूँ और मैं अपनी चीज़ों पर काम भी कर रहा हूँ। मैं अपनी चीज़ों में शुरुआत भी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, इन सिचुएशंस को बेहतर के लिए, और मैं इनिशिएट भी कर रही हूँ। मैं अपनी चीज़ों में एक स्टार्टअप भी दे रखा है, शुरू भी कर रखा है, बट उसका रिजल्ट आने में हो सकता हो भी समय लग जाए। कहने का मतलब ये है कि मैं जो एक प्रोसेस है अपनी सिचुएशंस को बेहतर करने का, अपने मटेरियल चीज़ों को ठीक करने का, अपनी लव लाइफ को ठीक करने का, उसके लिए जो एफर्ट्स आपके पर्सन यहाँ पर डाल रहे हैं, वो एफर्ट्स के रिजल्ट आने में हो सकता हो थोड़ा समय लग जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के लिए आपके पर्सन का मैसेज है कि प्लीज़ पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सब्र रखें। ज़रूरी नहीं हर चीज़ मेरे फेवर में जाए। इसके लिए क्या है कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, अपनी चीज़ों को पूरा करना है अपनी चीज़ों को, और उसके लिए मैं जी जान से मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हर्मिट की एनर्जी से क्या है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, मैं अभी एक्शन उतने अच्छे नहीं ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ जिनसे मुझे फास्ट रिज़ल्ट मिल सके, क्योंकि मुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ रहा है। मुझे अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक नादानी भरी स्टेप्स मुझे नहीं लेने हैं अपने लाइफ में। मुझे अपनी चीज़ों को एक तरीके से देखा जाए तो अपने सिचुएशंस को और अच्छे तरीके से बेहतर करना है, अपनी चीज़ों को सावधानी पूर्वक करना है। इसी वजह से आपके पर्सन जो है हर्मिट की ऊर्जा में है, खुद को थोड़ा शांत रखकर अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को मेडिटेट हो सकता हो करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह मशवरा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपका रीयूनियन हो सके, एक अच्छे वे में हो सके, एक अच्छे गाइडेंस के थ्रू हो सके। गाइडेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे, ना उनकी पर्सनल चीज़ों में, ना आपकी पर्सनल चीज़ों में, ना उनकी प्रोफेशनल चीज़ों में, ना आपकी प्रोफेशनल चीज़ों में। एक सेंस के साथ यहाँ पर सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन। यही मैसेज है आपके लिए कि मैं हर वो मुमकिन कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, भले ही मैं स्लो हूँ, रुकी हुई हूँ, रुका हुआ हूँ, मेरे मूवमेंट फास्ट नहीं हो रहे, मेरे एक्शंस फास्ट नहीं हो रहे हैं, मेरे एक्शंस वर्क नहीं कर रहे हैं फास्टली, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ या एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ। प्लीज़ जेंडर पे बिल्कुल भी ना जाएं। मैं अपने चीज़ों को जितना हो सक रहा है मैं एडजस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को, अपनी मंजिलों को पाने के लिए, अपने सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी बेहतरी करने, अपनी चीज़ों को बेहतरी करने के लिए, अपने लाइफ में एक नया स्टार्टअप लाने के लिए, एक नई होप, एक नई उम्मीद जो होती है, एक नई अपॉर्चुनिटी जो होती है, उन पे भी मेरा फोकस पूरी तरीके से है। मैं अपनी सिचुएशंस को बेहतरीन तरीके से अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा वेटिंग मोमेंट, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी एक
मैसेज है कि आपको आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार, वेटिंग, वेटिंग पे आपको डालना चाहते हैं आपके पर्सन कि आप मेरा सपोर्ट करें, आप मेरे लिए चीज़ों को एक पर्सनल सपोर्ट रखें कि हाँ मेरा पर्सन आएगा, मेरे पर्सन जो है मेरे लिए फाइट कर रहा है या कर रही है और सिचुएशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। आपसे कहा जा रहा है कि बस आप धैर्य रखें, हम जो बीज बो रहे हैं उसका रिजल्ट हमें ज़रूरी नहीं कि फास्ट मिले, बट हाँ हो सकता है थोड़ा समय लगे लेकिन मिलेगा। तो इसलिए आपके पर्सन का यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा वेटिंग मोमेंट में रखें, अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपनी चीज़ों को परेशान ना होने दें। ये सिचुएशन जैसे ही इम्प्रूव होंगी, जैसे ही किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मेरे पास पूरी तरीके से आएगी, मेरे पास अथॉरिटी आएगी, मेरे पास इतनी सक्षम मैं हो जाऊँगी या हो जाऊँगा कि मैं अब उस पर एक्शन तुरंत लेकर डिसीजन ले सकूँ, मैं अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँगी या कर लूँगा। 9-9 की यहाँ पर एनर्जी आई तो डेफिनेटली अपनी सैडनेस को यहाँ पर बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे। आपके पर्सन का कहना है कि मैं ये इन चीज़ों से दुखी हो चुका हूँ या चुकी हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी समय से परेशानी का सबक बन रही हैं, मेरी चीज़ें जो हैं, मेरी पर्सनल चीज़ें जो हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबक दे रही, मैं उनसे ऊब चुकी हूँ या ऊब चुका हूँ, मुझे इन्हें ख़त्म करना है। एक मैसेज मुझे ये भी यहाँ पर मिल रहा है कि ख़त्म करना है मुझे इस उबासी को, ख़त्म करना है जो ऊब रहा हूँ मैं इन चीज़ों से, जो मेरे मुझे परेशान कर रही चीज़ें, मुझे जो है बार 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 मेरी आत्मा को चोट पहुँचा रही हैं, बार बार मुझे लड़ना पड़ रहा है, साबित करना पड़ रहा है, खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है, डिफीट की एनर्जी में जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है, कोशिश करना है अपनी सिचुएशंस को बेहतर करने के लिए। और ये देखिए, होपफुल का कार्ड आ गया है, स्टार का कार्ड आ गया है, इंतज़ार का कार्ड आ गया है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप इंतज़ार करें, सही वक्त आने पर, सही निर्णय आने पर हमारी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये आपके पर्सन यहाँ पर एक तरीके से कह रहे हैं कि एक प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी सारी चीज़ें जैसे ही बैलेंस होंगी मैं आऊँगी या आऊँगा आपके पास, बस आपको इंतज़ार करना है सही वक्त आने का, मेरे सही डिसीज़न लेने तक का आपको इंतज़ार करना है, मेरी सिचुएशन को ठीक होने तक का आपको इंतज़ार करना। बहुत 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 प्यारी ऊर्जा है यहाँ पर आपके पर्सन मैसेज कर रहे हैं आपको कि जितनी जल्दी हो सकेगा सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और एक 2-2 की एनर्जी आई है, देखिए बैलेंस 9-9 की एनर्जी आई है, सिचुएशन को एंड करेंगे, 2-2 की एनर्जी आई है, सिचुएशन को बैलेंस करेंगे ताकि आपका और उनका रीयूनियन हो सके, आप और वो वापस एक हो सकें। धैर्य रखें, भरोसा रखें, प्रार्थना करते रहें, अपनी विशेष को मांगते रहें ताकि सिचुएशन जल्दी से जल्दी आपके फेवर में आए और आपके पर्सन एक सही डिसीज़न लेकर, एक सही समय का इंतज़ार कर अपनी चीज़ों में एक्शन लें और अपनी चीज़ों में बढ़ोतरी करें और आपकी तरफ आगे बढ़कर आएं। और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा सब्र रखें, इंतज़ार करें और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करते रहें, होपफुल बने रहें, अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं करना है, बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है। तो ये आपके पर्सन के कुछ मैसेज हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।